पिशावर प्रेस क्लब की एजुकेशन कमेटी ने तालीमी मैदान में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले सहाफ़ियों के बच्चों की हौसला अफजाई के लिए तकरीब का इनेकाद किया। मुसलसल तीसरे साल मुनक़िद होने वाली तकरीब का सेहरा यकीनन सदर पिशावर प्रेस क्लब अरशद अजीज़ मलिक और नायब सदर तैयब उस्मान के सर है। हमने महसूस किया है कि जब बच्चों को इनकरेज हम कर रहे हैं वो अगले साल में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है, यानी पिछले साल अगर वो थर्ड पोजीशन पे आया था इस साल वो सेकंड या फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है। तो मेरे ख्याल में कि बहुत जरूरी है कि बच्चों को आप ज्यादा से ज्यादा इनकरेज करें, उनको इनामात दें, छोटी छोटी चीज़ों पर इनामात दें, तो इसीलिए हमने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है। जी, पिशावर प्रेस क्लब एजुकेशन कमेटी के ज़रिए तमाम जो है ये तीसरा साल है कि हम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के बच्चों के लिए इस रंगारंग तकरीब का इनेकाद करते हैं, जिसमें सहाफ़ियों के पोजीशन होल्डर बच्चे जो हैं तो उनकी हौसला अफजाई के लिए उनको नकद कैश और सर्टिफिकेट, गोल्ड मेडल्स वगैरह हम देते हैं। इस तकरीब का मकसद ये होता है कि सहाफ़ियों के जो बच्चे हैं तो वो भी खूब मेहनत लगन के साथ जो है तो तालीम हासिल करें और इससे भी ज़्यादा जो है मेहनत करके अगली क्लासों में पोजीशन ले सकें। स्टूडेंट ऑफ द ईयर तकरीब के मेहमान खसूसी बैंक ऑफ खैबर के मैनेजिंग डायरेक्टर इरफान सलीम थे। बैंक ऑफ खैबर के ताउन से मुनक़िद होने वाली तकरीब में करीबन 140 बच्चों को नकद इनामात व सर्टिफिकेट्स दिए गए। तकरीब से अपने खिताब में एमडी बैंक ऑफ खैबर इरफान सलीम का कहना था कि बैंक पहले भी ऐसी तकरीबात को स्पॉन्सर करता रहा है और तलबा की हौसला अफजाई के लिए आइंदा भी ताउन का यह सिलसिला जारी रहेगा। इन लोगों की जो इनकरेजमेंट है वो बेसिकली बहुत एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है और इसीलिए जो है वो बैंक ऑफ खैबर पहले भी इस चीज़ में कॉन्ट्रीब्यूट करता रहा है और इंशाल्लाह आगे भी करता रहेगा। तो आज हम बच्चों को इनकरेज करेंगे तो वो और मेहनत करेंगे और कामयाबियां हासिल करेंगे। और आपको पता है कि तालीम एक ऐसा ज़रिया है कि जिसके थ्रू ये बच्चे अपनी सोसाइटी में और अपने इर्द गिर्द जो है वो एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। बच्चों की दिलचस्पी के लिए खेलकूद, मैजिक शो, फेस पेंटिंग और तफरी के दिगर इंतजाम भी किए गए। तकरीब में जहाँ हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वहीं वालदैन भी अपने नौनिहालों को देखकर खुशी से नहाल थे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरिबा वहीद है और मैं यहाँ पर आज आई हूँ। यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है, यहाँ पर मैजिक शो भी हो रहा था, हमें यहाँ पे इनाम भी मिले हैं। मैं अब 9th क्लास में पढ़ती हूँ, मैं अपने भाई और बाबा के साथ आई हूँ। ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए क्योंकि इससे बच्चे मोटिवेट होते हैं और आइंदे भी इसे ऐसे तरह ही प्रोग्राम होने चाहिए। जी, मेरा नाम आतिफ मनान है और मैं फिरदादील का बेटा हूँ। मैं क्लास 7 में पढ़ता था, अब 8 में हूँ और यहाँ पर मैं प्राइज मिला। यहाँ का प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद आया है। मेरा नाम महक है और मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। आज हम प्रेस क्लब आए हैं और आज का प्रोग्राम हमें बहुत पसंद आया है। मेरा नाम जारा अली है, आज मेरे भाई को फर्स्ट प्राइज मिला है और मैं इस प्रेस क्लब का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि हर साल हमारे लिए इसी तरह का प्राइज मुतक। जब फरहान गुल हमारे प्रेस क्लब की पल भूषण नावल है मजे 2 की लाश के माँ सर प्रेस क्लब डेर शुक्रिया अदा कुमार बड़ी डिबे प्रोग्राम अजी एंड प्रोग्राम डेर पंजरा। मेरा नाम महक और मैं 3 क्लास में पढ़ती हूँ, आज का प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम हसनात है और मैं 3 क्लास में पढ़ती हूँ और आज का प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा। जमान बुशरा गुल है, प्लान में सैदा गुल दे और जो हुआ उनके फर्स्ट नंबर रागली माँ और जो शुक्रिया अदा कुम द प्रेस क्लब प्रोग्राम। सहाफ़ियों ने बच्चों के एजाज़ में शानदार तकरीब के इनेकाद पर प्रेस क्लब की एजुकेशन कमेटी का शुक्रिया अदा किया।
इस किस्म की तकरीबात से यकीनन बच्चों की हौसला अफजाई होती है और उनमें मुकाबले का रुझान बढ़ता है। मुदसर ज़ेब, बोली डिजिटल, पेशावर।